शोरबा कहाँ है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त सिंदबाद, रोज रोज ये बढ़िया दावतें क्यों देता है? देखो वो लेकिन क्या शौक है? बस जहाजों में लंबे लंबे सफर किए हैं, सात समंदर खंगाल कर दौलत जमा की है, अब खर्च भी ना करें, कहानियां सुना के मजा भी ना ले। तो चलो उसके पास बैठकर सुनते हैं किस्सा। लेकिन तूफान में बड़ी मुसीबत तो वो हजारों लंगूर थे जो पहाड़ से टकराते ही जहाज में कूद आए। लंगूर? जी हाँ, हर चीज को फाड़ने लगे। एकदम पहाड़ के ऊपर भागो, पीछे मुड़कर ना देखना। अरे 10-12 जहाजी भी आ रहे हैं, जल्दी करो, आ जाओ। कप्तान साहब को सहारा दो। दाईं तरफ देखो, कोई किला सा दिखाई देता है, वहीं आराम करेंगे। आओ आओ आओ। या अल्लाह, इतना बड़ा दरवाजा, इतनी मजबूत दीवारें, लेकिन न दरवाजे पर कोई पहरेदार न अंदर कोई आदमजाद। कैसा किला है ये? इधर आओ, इधर आओ। संभाल के रखो, संभाल के। देखो, देखो मुझे इस चबूतरे पर लेटा दो, और पानी, पानी, और यहाँ कहीं पानी हो तो मुझे पिला दो। अरे ये क्या, इतना बड़ा सारा अलाव? लकड़ियां तो अभी भी सुलग रही हैं, यहाँ जरूर कोई रहता है। और ये इतनी बड़ी बड़ी लोहे की सलाखें किस लिए? इधर पहाड़ी के नीचे तो देखो, हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हैं। आखिर ये क्या मामला है? अरे हटो हटो, पहाड़ी के किनारे से जलजला आ रहा है, जमीन हिल रही है, अंदर अंदर आ जाओ। ये एकदम अंधेरा कैसे हो गया? मर गए, मर गए। शिवभूत तो किसी को न छोड़ेगा। अरे ये तो पूरा तार का तार है। आगे देखो, किसी अंगारा है। ओह, और दांत जंगली सुअर जैसे नुकीले और खुखार हैं। इतने सारे आदमी, मोटे मोड़वा, चर्बीदार, आज तो ये ठीक रहेगा। नहीं, ये सबसे मोटा है। अरे कबीस, छोड़ मुझे, पकड़ लिया मुझे, छोड़ दे। बेचारे कप्तान साहब, मार डाला कबीस ने। चुप रहो, इधर आ जाओ, खंभे के पीछे। अलाव कितना तेज भड़काया है उसने। अरे हट जाओ वहां से, हम लोग झुलस जाएंगे। तो
या खुदा, उसने तो कप्तान के सलाखें घोप दी और आग पर आए, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। अब हमारा हमारा क्या होगा? अब हमारा हमारा क्या होगा? देखो, रोडर से काम नहीं चलेगा। खामोश रहो, खामोश रहो, और कोई तदबीर सोचो, कोई तदबीर सोचो। देखो देखो कैसा पागलों की तरह नाच रहा है ये। देखो 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 जरा, अरे ये तो चबूतरे पर गिर पड़ा। लगता है कि खाकर मस्त हो गया है। लगता है कि अब वो सो गया है, पेट में पड़ गया है, तब सोएगा नहीं कमबख्त तो क्या होगा। ये खामोश खामोश, ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। मौका अच्छा है, भाग चलें। लेकिन कैसे? किले का दरवाजा तो बंद करके उसने इतनी बड़ी चट्टान अड़ा दी है, हटाएंगे कैसे? फिर क्या करेंगे? हाँ, सोचने दो सोचने दो। हे, इधर आओ। किधर किधर? इधर आओ, देखो उठाओ ये सलाख। क्या हुआ? ओह, बहुत गर्म है। लो ये कमीज, सलाख बहुत ही ज्यादा गर्म होगी, इससे पकड़ो और आग में डाल दो। लेकिन क्यों? इन सलाखों को खूब तप जाने दो, जब ये लाल हो जाए तो हम मिलकर एक साथ भूत की दोनों आंखों में फूंक देंगे। जाओ, आप सबको यहीं बुला लो, जाओ। अब सलाखें खूब गर्म हो चुकी होंगी, चलो अब भूत को अंधा कर दें। फिर आपके साथ क्या हुआ? भूत ने तड़प कर सलाखों को झटका दिया तो चार आदमी तो किले की दीवार से जा टकराए। फिर हुजूर? उनका भेजा बाहर निकल आया, दो अलाव में जा गिरे, दो को मुट्ठी में दबोच कर उसने मार डाला। फिर बेचैनी में दरवाजा खोलकर दीवाना वार बाहर निकल गया। मैं किले के कोने में दुबक गया था। सुबह हुई तो बाहर निकला, लंगूर गायब हो चुके थे। मैंने जहाज में से एक छोटी किश्ती निकाली और समंदर में डाल दी। एक दिन और एक रात की परेशानी ने मुझे बेदम कर दिया था, किश्ती में बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेसुध पड़ा रहा।
और जब होश में आया तो वाह भाई वाह, क्या खूब हवा है, लगता है जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। ये सब्जा, ये फूल और ये फलों से लते लहलाते दरख्त, अरे गला तो बिल्कुल सूख गया है। कश्ती से बाहर निकले, अरे यहां तो हर तरफ अंगूर ही अंगूर है। कितने खाओगे भाई? अरे वाह भाई, ये तुम्बिया, चलो ये अंगूर इन सूखी तुम्बियों में भर देते हैं, कुछ दिन में तो शराब बन ही जाएगी, और शराब ना सही कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। बहने की आवाज कहां से आ रही है? वाह, क्या खूबसूरत चश्मा है, वाह सुभान अल्लाह, पानी पानी पी लें। जो भी चट्टान पर बैठा क्या कर रहा है? ये तो बिल्कुल अपाहिज लगता है, पैर तो है ही नहीं इसके, बस दस में जैसे दिखाई देते हैं। ठहरो ठहरो बाबा ठहरो, अभी आया। क्यों, क्या बात है? दूसरी तरफ जाना है? हाँ हाँ ठीक है, लो मेरा हाथ पकड़ लो। अरे तुम तो बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते। अच्छा मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ। अरे अरे अपनी ये टांगे गर्दन से, अरे ऐसे ना कसो, कैसे ना कसो भाई, अभी अभी दूसरे किनारे पर पहुंचा देता हूँ। मेरा सिर पकड़े रहो, सिर पकड़े रहो मजबूती से, डरो नहीं। लो
किनारा आ गया। अरे नीचे उतर, नीचे उतर। अरे 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 अपनी टांगों से मेरे फांसी लगा देगा क्या? हेलो, कहाँ चलूँ, किधर चलूँ? बाल छोड़, बाल छोड़। हेलो हेलो हेलो, कमबख्त, बाल छोड़ता है या नहीं? अच्छा तो ढीली कर टांगे, ठीक है ठीक है। अरे ठीक है, भागता हूँ, टांग तो ढीली कर दे। चल। भागा भागा भागा। ये कौन सी मुसीबत कर ली पड़ी? बुढ़ा ना कंधे से उतरता है और ना चैन से बैठने देता है। चार दिन हो गए, सुबह से शाम तक पहाड़ पहाड़ घाटी घाटी दौड़ रहा है। भागा ऊपर, अरे नामाकुल, अरे कितनी बार चढ़ा चुका है इस पहाड़ पर, क्या मजा मिलता है इस तरह दौड़ाने में। अब नीचे नीचे, मार डाला। या खुदाया, अब तो निजात दिला दे इस अजाब से। अरे ये तो वही अंगूरों वाली घाटी है, यही कहीं तो वो तुम्बिया रखी थी भर कर। किधर है? चलो चलो। अबे ठहर, तुम्बिया तो ढूंढ लेने दे ना माकूल, प्यास के मारे कलह खुश्क हुआ जा रहा है। तक इन तुम्बियों में कुछ तो अर्क तैयार हो गया है। चलो। अरे अरे अरे, ये रही, ये रही तुम्बिया। अरे कमबख्त, थोड़ा सा ये अर्क तो गले से उतार लेने दे। तेरी चाकरी के लिए कुछ तो जान आ जाए। अरे अरे, ये तो अच्छी खासी शराब बन गई। अरे अरे अरे, अबे तू क्यों छीन रहा है? अरे तुझे दूं? अरे छोड़ छोड़। ले, तू भी जहर मार कर ले, मैं दूसरी ले लूंगा। ले, पी पी पी, तुम्हें तो पी। शैतान, तूने तो जीना हराम कर दिया है, ये तीसरी भी पी डाली। मजा आ गया कमबख्त को। अब जरा सोचा, देख बेटा चढ़ गई ना।
पड़ गई है। मत होश हो गया है कमबख्त। चलो कंधे का बोझ तो चला, नीचे लिटा दूं। लेकिन लेकिन इस बला को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। ये चट्टान ठीक रहेगी, इस शैतान का सिर फोड़ने के लिए इसे घुमा कर चट्टान पर दे मारता हूं। और ये फिर आप आराम से घर लौट आए? कहां भाई, जिंदगी इतनी आसान नहीं है? हर कदम पर नए खतरे मुंह खोले खड़े मिलते हैं। तो कोई नई आफत आ गई? हाँ, बूढ़े से छुटकारा पाते ही मैं अपनी किश्ती में बैठ फिर से समंदर के सफर पर निकल पड़ा। किश्ती 6 दिन के बाद किनारे लगी। उस मुल्क के लोग बड़े मोहब्बत वाले और सीधे साधे थे। अच्छा। वहां का हाकिम बड़ा खुश हुआ। अच्छा। और उस मुल्क की एक लड़की से मेरी शादी भी करवा दी। अल्लाह। एक दिन अचानक मेरी बीवी मर गई। उस मुल्क का एक अजीब रिवाज था। अच्छा। अगर शौहर मर जाए तो बीवी को, और बीवी मर गई तो जिंदा शौहर को गार में डाल दिया जाता था। हाँ, जब मेरी बीवी मर गई तो मुझे भी गार में उसी के साथ फेंक दिया गया। कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? कमबख्तों ने सिल से ढक दिया गार के मुंह को। कितना घुप अंधेरा हो गया, कुछ सोचता भी नहीं। अरे ये क्या, ये तो किसी की खोपड़ी है। अरे या खुदा, लाशों की कैसी सड़ांध है यहाँ। इस बदबू से तो इंसान की रूह ऐसे ही निकल जाए, दूसरे सिरे पर चले। अरे अरे, ये पांव कहाँ उलझ गया? लाश हो गई। कौन कौन है? क्या 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 जिंदा हो भाई? भाई कुछ सांसें तो अभी भी बाकी है। अच्छा, तो आओ आओ मेरे साथ आओ। अच्छा, दूसरे वाले हिस्से की तरफ खिसक चले, शायद कोई ठिकाना मिले। नहीं भाई, यहाँ लाशें खाने कुछ जानवर आते हैं। मुझे भी मुर्दा समझकर किसी ने मेरी टांग फोड़ डाली है। जानवर? और इस गार में? तुम्हारे गिरने की आवाज से डर कर इधर उधर हो गए। देखना, अभी सन्नाटा होगा तो फिर निकल आएंगे। इसका मतलब है कि जब जानवर आते हैं
तो खार से निकलने का जरूर कोई रास्ता होना चाहिए। हाँ, यहाँ कहीं से हवक भी पहुंचती है। अब तभी तो मैं दूरों से सुनता हूँ। हाँ, देखो 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 ये जानवर आ गया। देखो लगता है वो तुम्हारे बाई तरफ भागा है। तुम्हारे बाई तरफ भागा है वो तुम्हारे। हाँ, हाँ, मैं उसके पीछे जाता हूँ। हाँ, हाँ, शायद कोई रास्ता मिले। हाँ, लेट कर आगे सरकना पड़ेगा। अरे ये क्या चमक रहा है? रोशनी है, रोशनी। हाँ हाँ, रोशनी है। यानी यहां से बाहर निकला जा सकता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। हुजूर, खुदा के फजल से आपको उस खौफनाक गार से निजात मिल गई। एक, 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 एक बात पूछूं? हाँ हाँ हाँ, पूछो। ये जो मालो दौलत आप कहां से मिला? भाई, ये मैंने अपने 7 समंदरी सफरों में इकट्ठा किया है। हाँ, इस सफर में भी आपको कुछ मिला क्या हुजूर? बड़े बड़े कीमती जेवर और जवाहरात मिले। उस मुल्क का कायदा था कि जिस औरत की मौत होती थी, हाँ, उसे उसका पूरा जेवर पहनाकर गार में फेंक दिया जाता था। गार में पहले से ही बहुत से जेवर पड़े हुए थे। बहुत से? हाँ, फिर इस वबा ने तो घर के घर साफ कर दिए। मैंने धीरे धीरे बहुत सारे जेवरात बाहर चट्टानों पर इकट्ठा कर लिए। आप वहां से निकले कैसे हुजूर? भाई, कुछ दिन बाद चट्टानों के पास से मुझे एक जहाज गुजरता दिखाई दिया। जहाज? जहाज रोको! मैंने खूब शोर मचाया। जहाज रोको! आ रोको! कमीज उतार कर झंडी की तरह हिलाई। इत्तेफाक से मस्तूल पर चढ़े एक मल्लाह ने देख लिया। अल्लाह, कप्तान साहब, कप्तान साहब, कोई पहाड़ पर खड़ा हुआ है। देखिए कप्तान साहब, कोई बुला रहा है, कोई पहाड़ पर खड़ा है। वो लोग जहाज को करीब लाए। पहले तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने पर एतराज किया। है? हाँ, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने जेवरों और जवाहरातों के ढेर में से हिस्सा देने का लालच दिया, अच्छा, तो वो मान गए। और बिलाखिर मैं अपने मुल्क वापस पहुंच गया। हुजूर, चलिए, जान बची और लाख हो पाए। लॉर्ड के बुद्धू।